डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल SN में 25 बेड और जिला अस्पताल में 10 बेड का बनाया गया है विशेष वार्ड, लेकिन जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर समुचित दवाइयां और जांच किट मौजूद कराई गई है। डेंगू और मलेरिया के बचाव की जानकारी मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने दी है। देहात क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग निरंतर लगातार चिकित्सकों का शिविर लगवा रहा है। वहीं रोग का संक्रमण नजर आने पर काल अस्पतालों में जाँच कराई जा रही है। मलेरिया को लेकर किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, किस प्रकार से मरीज आ रहे हैं? अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है 3 मरीज जो मिले हैं वो अर्बन क्षेत्र में हैं, उसमें से 3 अगलापदी के हैं और 1 तालगंज क्षेत्र से है। सभी उन सारी जगहों पे कार्रवाई लगातार चल रही है, नगर निगम का भी सहयोग मिल रहा है। सभी से अनुरोध है, चूँकि अभी कम से कम 1 महीने से ज़्यादा समय ऐसा है जिसमें डेंगू का होने की संभावना, संक्रमण होने की संभावना रहती है। बरसात के बाद का समय मलेरिया के लिए भी बहुत ही संक्रमण बहुत आसानी से होता है। अनुरोध यही है कि आसपास पानी के जमाव को जरूर देखें, अपने घर में छत पे, कूलर पे, जहाँ भी पानी फ्रेश साफ पानी जमा हो सकता है उसको जरूर साफ करें, सुखा दें। डेंगू इस समय जो भी है उसको संक्रमण रोकना बहुत आवश्यक है और इसमें बहुत ज़्यादा दूर तक चुकी नहीं पहुँचता, इसलिए आप ये देख लें कि इन क्षेत्रों के आसपास खास तौर से विशेष सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, ये जो हमारे चिकित्सालयों में इसकी दवाओं की उपलब्धता कर दी गई है, जांचों के लिए किट सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध करा दी गई है, मलेरिया और डेंगू की पर्याप्त मात्रा में किटें अर्बन PSC और CSC में भी उपलब्ध करा दी गई है। जो हमारे CBC मशीन है इनको क्रियाशील रखने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रत्येक चिकित्सालय में वार्डों को सुरक्षित करने के लिए साथ में कम से कम 2-3 बेडों में, खासतौर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मच्छरदानी के लिए निर्देशित किया गया है कि मच्छरदानी की व्यवस्था कर लें। जिला अस्पताल में 10 बेड के लिए और मेडिकल कॉलेज में 25 बेड का अलग से वहाँ पे सुविधा, वहाँ से भी सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग वार्ड कर दिया गया। कोशिश यही है कि इस तरह का संक्रमण हमारे जनपद में ना पाए, उसमें हमारे सभी शहरवासियों का सहयोग बहुत आवश्यक है।